ये किस्सा है 2 नवंबर 1990 का, जब मुलायम ने राम भक्तों पर गोलियां चल रही थी। ये कहानी है राम भक्त राम कुमार कोठारी और उसके लक्ष्मण समान छोटे भाई शरद कोठारी की, जो अपने रामलला के लिए कोलकाता से 22 अक्टूबर को रवाना हुए और काशी पहुंचे, और फिर 200 किलोमीटर पैदल चलकर कार सेवा के लिए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। कहते हैं इन्हीं दोनों भाइयों ने सर्वप्रथम उस मस्जिद के ढांचे के शीर्ष पर चढ़कर भगवा ध्वज लहराया था। यहां 2 नवंबर के दिन कार सेवक हनुमान गढ़ी में शांति से सड़क पर बैठकर भजन गा रहे, अचानक से सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ऑर्डर लखनऊ से मुलायम सिंह ने दिए थे, ऑर्डर पर बाद में मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर लिए गए थे। जनसत्ता अखबार में अगले दिन छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक राम भक्त को जब गोली लगी तो उसने अपने खून से सीता राम लिखा और वो जमीन पर गिर गया, लेकिन बावजूद इसके एक सिपाही ने उसके सर पर 7 बार गोली डाली। कोठारी बंधुओं को दिगंबर अखाड़े से घसीट कर निकाल कर मारा गया। इन घटनाओं के विवरण से साफ पता चलता है कि इस बर्बरता के साथ निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश घायल करने या भीड़ को हटाने के लिए नहीं बल्कि राम भक्तों की हत्या के इरादे से दिए गए। ये सब मुलायम सिंह ने सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों के प्रति नफरत में और समुदाय विशेष के चंद वोटों के लिए किया था। सत्ता का लालच मुलायम के लिए इतना बड़ा था कि राम भक्तों की ये निर्मम हत्या भी मंजूर थी।